बढ़ेंगे खबरों में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर हैं। बेनीवाल के अकेले चित्तौड़गढ़ 12 से अधिक कार्यक्रम हैं और वो लगातार आरएलपी का कुनबा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी के साथ किसी दल का गठबंधन नहीं हुआ तो आरएलपी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। बेनीवाल से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। विधानसभा चुनाव इसी साल में होने, हालांकि अभी आचार संहिता लगना बाकी है, लेकिन मेवाड़ में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने जिस तरह से घमासान मचाया है, ठीक उसी के बीच हनुमान बेनीवाल के भी दौरे शुरू हो गए हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं और आज भी तूफानी दौरे हैं। निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। कहावत है कि जिस तरह से कहते हैं जिसने मेवाड़ जीता उसकी सत्ता की चाबी उसके हाथ में होती है, हनुमान बेनीवाल इसे समझ रहे हैं पूरी तरह? ऐसा सब लोग कहते हैं, कोई कहता मारवाड़ जीता सत्ता की चाबी उसके हाथ में, कोई कहता हडोती जीता। मुझे तो लगता है कि जो एक नंबर पे आता है पार्टी उसको राजस्थान के तमाम हिस्सों में जीत हासिल करनी पड़ती है। एक जगह से जीतने से नहीं तो कोई पूरा राजस्थान जीता जाता। हाँ, ये सही है कि आपका बहुमत बढ़ाने के लिए अलग अलग जो मेवाड़ मारवाड़ सेकावाटी अंचलों में हाडोती है संभाग जो बंटे हुए हैं ईस्टर्न राजस्थान के, उन सब में जीत हासिल करनी होती है। और चूँकि मेवाड़ के अंदर आरएलपी का बहुत बड़ा प्रभाव है, उदयलाल जी डांगी मेरे साथ ही खड़े, अभी सेकंड नंबर बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी बल्लभ नगर के अंदर जो राज बनाने की बात कर रही है, जहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद आते हैं लोकसभा क्षेत्र इनका, कपासन में 30,000 के लगभग वोट हमने पिछली बार लिए थे, आसिंद के अंदर 45,000 के लगभग वोट हमने लिए थे 18 के अंदर। तो 18 से 23 का जो 5 साल का कार्य हमारा संघर्ष रहा सड़कों पर, देश में किसानों के लिए जवानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आए, स्टेट के अंदर बेरोजगारों के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और उसका परिणाम ये होगा कि इस बार राजस्थान जीतना किसी के लिए आसान नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में उभरेगी। राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है, वो नया राजस्थान चाहता है। पहला दल है जिसको मान्यता मिली राजस्थान के अंदर, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े और आगे भी आरएलपी मजबूती के साथ संघर्ष करेगी। आगामी 6 महीने का जो समय उसमें आप देखेंगे कि आरएलपी के बड़े संघर्ष, बड़े प्रदर्शन, बड़ी रैलियां और यात्राएं इस राजस्थान के अंदर आपको देखने। मेवाड़ के अंदर आरएलपी का बहुत अच्छा मजबूत प्रदर्शन मेवाड़ के अंदर रहेगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन बागड़ में मनाते हैं, प्रधानमंत्री भी कल आने वाले हैं जिस तरह से, लेकिन आरएलपी कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य उतारे, कितने प्रत्याशी उतारेगी पूरे विधानसभा? हम तो 200 ही उतारेंगे। अगर गठबंधन किसी से नहीं होगा ना तो 200 सीटों पर लड़ेंगे और हम ये चाहेंगे गठबंधन हो। गठबंधन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तमाम जो दल है जो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है, जिनका जहाँ जनाधार है उस हिसाब से बैठ के बात होगी। गठबंधन अगर होता है तो हम गठबंधन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन दलों के साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा आरएलपी पार्टी का, और गठबंधन नहीं होता तो तमाम 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। निश्चित तौर पर गठबंधन की बात से नकार नहीं रहे हैं। अगर कोई पार्टी गठबंधन की बात करती है तो गठबंधन जरूर करेंगे, लेकिन किसी ने गठबंधन नहीं किया तो पूरे राजस्थान में वो 200 ही सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।